और ये ईद के दूसरे दिन नुसरत जब खाना खाने बैठे थे, उन्होंने काम दिया था मुझे, वो मैंने काम गड़बड़ कर दिया तो उसकी सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ी। ये देखो काम बढ़ा दिए, दिन भर में काम करते जा रही हूँ, किसकी हद नहीं है। और ये इंसान इधर काम बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोली थी मैंने आपको? क्या बोली थी? असल में इन्होंने खाना खा लिए थे, लास्ट में मैं खाना खाने बैठी तो मैंने इनको लिए बस थोड़ा सा ध्यान दे डालना। ये जो शिरखुमा है गर्म हो रहा था तो देखो पूरा गिर गया, काम बढ़ गया। तुम्हारे वजह से गिरा है? मेरी वजह से, मैं खाना खा रही थी और अब गैस के सामने थे ना, गैस के सामने था लेकिन मैं टीवी देख रहा था। और ये काम मैं करता नहीं तो मेरे ध्यान में कैसे आएगा गैस पे देखने का? मैंने बस इतना बोली आपको, ध्यान दो करके, गिरे नहीं, यही बोली थी ना मैंने आपको। गिरे नहीं बोले थे कि जले नहीं, पकड़े नहीं, ज़रा देखना। नहीं, ये चीज़ नहीं बोली थी मैंने। अभी तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ। करो, गलती आपने की है ना। गलती किससे हुई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती है। अच्छा। और इनकी गलती की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। जब खाना खाने बैठे तो जब खाना खा के उठेंगे तभी गरम करके चढ़ाना चाहिए ना। मैं सोची खाना खाते खाते वो भी गरम हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, ये सोच के मैंने आपको बोली थी। मुझे थोड़ी लगा था कि आपसे ऐसी गलती होगी। अरे ज़बरदस्ती काम दिए मेरे को। हाँ, ये दिन भर काम कर रहे थे ना तो उसका गुस्सा लगता है अभी उतार रहे हैं। क्योंकि मैं बाहर चला गया था बच्चे लोग को लेके, अकबर भाई के साथ ज़रा बच्चे लोग को घुमा फिरा के आया। ये अकेले घर पे बिरयानी बनाए, सेवई बनाए तो उसका गुस्सा लगता। निकल से गए, फिर घर की सफाई, सब बच्चे थे घर में, कितने शोर हो रहा था, पसारे होते जा रहे थे, पूरा आखा दिन ये चीज़ करने में ही गया। ऐसा तो कुछ बोल नहीं पाए। और दोपहर का खाना मैं खाई शाम में 6:30 बजे, तो अंदाज़ा लगा दो कि घर में काम होता है ना ज़्यादा। ऐसा बोल तो पाए नहीं लेकिन अभी मेरे से गुस्सा निकाल देगा। क्या कर रहे? शादी न करना यारो, तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको। अगर ये काम में इतना टाइम लगाएंगे तो आपका दिन का काम कैसे होगा? तब काम मिले तो थोड़ा आराम से करेंगे, आराम से पूछेंगे, काम ही करेंगे। इसके नीचे भी घुसा है, मेरा हाथ में घुसेगा इसमें। हाँ, मेरा हाथ में घुसेगा इसके अंदर। क्या हुआ बोलो? क्या हुआ नेमत? जो बोल रही है मैं करूँ क्या? मेरा हाथ में घुसेगा बोला ना मैं, चूल्हे के नीचे। स्टॉप करूँ? देखो स्टॉप करोगे तो तुम पूछोगे आगे का तुम पूछोगे। अल्लाह, ये मत रखना जोर की जो हंसे। ये काटना प्लीज, ये मत दिखाना जो मैं हंसी। आप लोग कमेंट में भेजिए आप लोग अपना हस्बैंड से ऐसे काम कराते हैं क्या? उनकी गलती की सज़ा उनसे ही कराते हैं क्या आप लोग? उसको बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। अरे हेल्प कम, ये तो सज़ा हो गई मेरे लिए। चलो, एक तो मेरे को आता नहीं पोछा पाछी करने, है ना? और अभी हमारे से मिलने के लिए आए हैं गुलनाज इसकाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? और मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी फैमिली को ईद मुबारक। और गुलनाज को अभी तक ईदी मिली नहीं है। चेहरा देखो कैसा है। बाकी सब बच्चे लोग को मिल गया है ना? तुम सबको ईदी मिल गई है ना? खाली इसको नहीं मिली, गुलनाज। और देखो सैड, वेरी सैड। बहुत में सेट नहीं हो, ईद आगे खुशी बहुत हो रही है। देखो रो देगी, देखो रो देगी, नहीं रहूंगी। देखो आंखों में आंसू दिख रहे इसके, नहीं रहूंगी। ये देखो रो देगी, नहीं रहूंगी। गुलनाज मत रोना, गुलनाज नहीं रहूंगी। ये देखो बेचारी आंखों में आंसू आ गए। नहीं आए, मैं नहीं चाहता कि तू रोए। क्यों बुला रहे उसको? गुलनाज़ नहीं रहूंगी, गुलनाज़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। आ गया आ गया, देखो आंसू आ गए, ये देखो नहीं आएंगे। और ये गुलनाज़ फाइनली रो दी है, ये देखो। अरे नहीं आएंगे, अरे आ चुकी है, ये देख। खाली कैमरे को देख ले, तेरा आँख गिला गिला दिख जाएगा। उसने चिल्लाया, खाली ऐसे ही बोला। अरे वाह, कसम सही में रो दी। मत ना, क्यों ऐसा करते हैं? सही में रो दी, बताओ। अरे मैंने ऐसे ही बोला और सही में रोती है। अरे कैमरा बंद, इसको रुला, इसको हंसा हंसा के भी रुला सकते हैं। क्या बात है, देखो। चलो, ज्यादा भी गुल्ला रो रही है, इसको ईदी देके आप चुप करा देते हैं।